हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्रेडिशनल गुजराती डबल रोटी, हम लोग बोलते हैं दो पड़ी रोटी, मतलब दो उसमें से एक में से दो निकलता है, इसीलिए हम लोग उसको दो पड़ी रोटी बोलते हैं। और ज़्यादातर हम लोग रस का, आम रस का सीज़न होता है, आम का सीज़न होता है, तभी वो रस और रोटी, हमारा गुजराती लोग ऐसे बोलते हैं, रस के साथ रोटी जो बनते हैं वो नॉर्मल रोटी नहीं, ये दो डबल रोटी बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो अभी मैं सबको बता दूं कि कैसे होता है। वेरी सिंपल है, थोड़ा ट्रिकी है, कभी कभी किसी से नहीं खुलता है, एक में से दो नहीं निकलता है, फट जाता है। तो मैं आज बताती हूँ कि सिंपल वे कैसे बना सकते हैं हम ये रोटी। तो मैंने ये चपाती का आटा तो बना के रखा है, जो हम नॉर्मल जो चपाती का बनाते हैं उसको थोड़ा घी लेके उसको ये कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एकदम पतला सा कागज जैसा होता है, बड़ा बनाने का है तो बड़ा बनाओ, छोटा बनाने का है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग ज्यादातर रस के साथ, वो आम रस के साथ तो वही बनाते हैं। अभी सूखा आटा लेते हैं थोड़ा गेहूं का। अभी देखो ये मैंने बनाई ऐसा, आटे में डबो के रख दिया, अभी दूसरा बनाया ऐसा कर दिया, देखो अभी लिया। अभी मैं दो रोटी का साथ में बनाती हूँ, लुई अभी देखो वो पाटले पे ही रखने का ऐसे, क्योंकि लकड़ी पे चिपकता नहीं है ना। तो अभी दूसरा बनाया मैंने, अभी नीचे ही आटा लगाने का, अभी ऊपर नहीं लगाने का। अभी ये तेल है, नॉर्मल तेल घी भी लगा सकते हैं या और तेल भी लगा सकते हैं। तो अभी ऐसे इन अपने हाथ से ऐसे तेल लगा के उसको पूरा राउंड पे लगा देने का, देख आप समझ सकते हैं ना, ओवरफ्लो नहीं करने का लेकिन उसको चारों तरफ लगना चाहिए ऐसे, देखो। अब ये हो गया, अब ये उठा के उसको एक ही रुई को पूरा चारों से आटे से लगा देने का और दूसरे पर रख देने का। अब ये दूसरा देखो, ये है आटे पे मैंने लगा दिया पूरा चारों तरफ आटा। अभी ये है ना, ऐसे हाथ से पूरा दोनों साइड लेवल सेम करने का, देखो हाथ से ऐसे ऐसे घुमा के उसकी बॉर्डर से उसको सेम बनाने का, देखो ऐसा इतना करके रख देने का। और ये सब लुई बना के बाद में चपाती बेलने का, तो क्यों फटाफट हो जाता है, ये तैयार होता है लुई ऐसा करके, क्योंकि ऐसा हाथ से करते हैं ना तो एकदम परफेक्ट होता है। देखो मैं बॉर्डर को ऐसे करके ये करती हूँ, देखो दोनों लेवल बराबर होता है, बाद में बीच में से ऐसे करके करने का, लेकिन पहले बॉर्डर को एक दोनों सेम करने का। ओके, ऐसे सब लुई बना के ऐसे आटे में ऐसे करके रख देने का, बाद में आप चपाती बेल सकते हैं। अभी देखो अभी हम तवा गरम करते हैं, और सेकने का भी ये है कि बहुत बड़ा फ्लेम, हाई फ्लेम नहीं रखने का और बहुत कम भी नहीं रखने का। मैं आपको बता देती हूँ कैसा करना है, जो चपाती का हम लोग यूज करते हैं ना ज्यादातर, ये मेरा ए फ्लेम है, और बहुत कम रखेगा तो भी कड़म चिपक जाएगी, नहीं खुलेगी। और तवे को गर्म करने का बराबर, अभी हम चपाती को बेल लेते हैं। आटे में एक करके उसको टर्न कर दो, जो पहले वाला पार्ट था वो नीचे गया और अभी ऊपर आ गया, ये नीचे का ऊपर आ गया, उसको एक
इतना ही नहीं है, लेकिन क्या है, परफेक्ट खुलता है। आप बना के स्टोर करके उसका जो पट्टी समोसा होता है ना, तो वो समोसा भी हो सकता है, वो कभी स्टोर करके रखो, जब भी बनता है रोटी को बना के उसको बीच में से काट दो, दो पतला 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 चपाती है तो उसका समोसा बहुत अच्छा होता है। वो सब ऐसे वेजिटेबल सब करके आलू कम डालो और मसाला डाल के समोसा बनाते, पट्टी समोसा बहुत अच्छा होता है। और क्या है, रेडी रहता है, चपाती है बना के रख दिया, फ्रीजर में रखता है तो 15-20 दिन तक कुछ नहीं होता है, डब्बे में या जिप्लॉक में भर के रख दो तो कुछ नहीं। अभी देखो मेरा होते होते ही खुलता है, देखो होता है ना, ऐसे ही खुलेगा। बस उसको ऐसे लुई बनाएंगे तो परफेक्ट होता है। और उसको घी लगा के रख देने का, और हम लोग घी लगा के एक के पर लगा के दूसरा रख देते हैं और फोल्ड कर देते हैं बस। लगाते हैं और वैसे भी, और आप बिना घी के भी खा सकते हैं, बहुत मतलब एकदम सॉफ्ट होता है। देखो ये फूलता है ना, तो अपने आप फूलता है, जैसे फुग्गा हो जाता है ना फूल के, तो अपने आप उसको हाई फ्लेम पे मत डालो, नहीं तो पकेगा नहीं, फट जाएगा, बराबर नहीं होएगा। उसको एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखने का। और ये चपाती बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम लोग तो आम के रस के साथ तो ये चपाती यही मांगता है। अरे मैं बोली ना, ये चपाती का तो बहुत फायदा है, आप कुछ रोल भी बना सकते हैं और समोसा बना, बहुत सारी आइटम ये बची हुई रोटी से और स्पेशल बना के रखो तो भी होता है। देखो ये भी खुल गया, देखो ऐसे करके खोलने का। देखो ये हमारा पतला रोटी दूसरा, अब ये बिना की का रखते हैं ऐसे, हम लोग ऐसे रस के साथ रोटी, रस रोटी बोलते हैं हम लोग, गुजराती बोलते हैं रस रोटी।